सब बात कर लेते हैं जीवन के बारे में, जीवन में आगे बढ़ने के बारे में, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, क्यों आया हूँ मैं धरती पे। कई क्वेश्चंस के जवाब यहाँ ढूंढ लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, जवाब मिले या ना मिले वो बाद की बात है, लेकिन जवाब ढूंढने के प्रयास तो करने चाहिए आदमी को। भाई होता है ना, एक क्वेश्चन तो आदमी को होता है जब बच्चा जन्म लेता है, उसके पास ना बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है, बहुत जिज्ञासा होती है उसके पास, क्यों होता है ऐसा, क्यों उड़ते हैं पंछी, क्यों ये सूरज निकलता है, क्यों होती है दिन रात, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है छोटा बच्चा ना, बहुत क्वेश्चन करता है, खूब क्वेश्चन करता है, खूब क्वेश्चन करता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ना, जैसे बड़ा हो रहा है, थोड़ा बड़ा हुआ क्वेश्चन कम, और बड़ा हुआ क्वेश्चन कम, और बड़ा हुआ क्वेश्चन कम। दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट पता है कौन होता है? बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं बड़ों से, आप माने या ना माने, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछते हैं उनको, जब नहीं आता वो पूछ लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, चलो नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पूछूंगा तो साइड वाले हंसेंगे, क्लास में मजाक बनेगी अपनी, नहीं पूछना, ये सबसे बड़ी गलती है बेटा। अरे हंसे तो हंसे, दुनिया दुनिया का तो काम हंसना है, वो एक बार हंसेगी दो बार हंसेगी, लेकिन एक दिन आप इतने अच्छे जानकार हो जाओगे सब्जेक्ट के कि वो अपने आप ही हंसेंगे, देखो ये कहां पहुंच गया। इसलिए क्वेश्चन पूछो बेटा, क्वेश्चन पूछो, अपने आप से पूछो, अपने गुरुजनों से पूछो, जहां भी उसका उत्तर मिल सकता है वहां पर पूछो, दरवाजा खटखटाओ दरवाजे खुलते बेटा, क्वेश्चन सोचोगे पूछोगे तो जवाब मिलता है। लेकिन कोई ज्यादातर लोग हिंदुस्तान में ऐसे मिलेंगे, भाई काय को करना है, क्यों पंगा ले, क्यों पंगा ले, सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, क्यों टेंशन ले, सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, क्यों टेंशन पाले, सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, हम क्यों करें। लेकिन जो बेटा पंगे लेते हैं ना दुनिया में, जो पंगे लेते हैं, जो पंगे पालते हैं, जो लड़ते हैं भिड़ते हैं, जो जिनको चैन नहीं पड़ता, भाई दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक ऐसे होते हैं जिनको ये वाला टाइम पसंद है, बोला जी 10-11 बजे जाना है, जैसे जो लोग नौकरी में सर्विस में उनका बिल्कुल शेड्यूल फिक्स होता है, बोला 10 बजे जाना है, मतलब ऑफिस जाना है, उसके बाद में 2-3 बजते ही वापस अपना निकल के आ जाना है, और निकल के आते ही रस्ते में से जो है ना सब्जी खरीद के घर आ जाना है। दैट इज द लाइफ, यही उनका जीवन था, यही जीवन है, और दैट विल बी द लाइफ, और यही जीवन उनका होगा, होता है। कुछ होते हैं पंगेबाज, बहुत सारे मिलेंगे आपको ऐसे, कई IAS मिलेंगे जिन्होंने कहा नहीं करना है ना, अपना खुद का इंडस्ट्री लगाएंगे, अपना खुद का काम करेंगे, बहुत सारे ऐसे जो IIT किए हुए, IIT करने के बाद उन्होंने छोड़ के अपना बोला ये काम करेंगे, खुद का ही काम करेंगे, ये कंपनी चलाएंगे, ये ऑनलाइन अपना काम करेंगे, वो लोग ऐसे पंगे पालने वाले लोग होते हैं पंगे। IAS को कई सारे लोग हैं जो IIT करने के बाद उनका पैकेज 27 लाख रुपए सालाना, किसी का पैकेज 50 लाख रुपए, लेकिन दिमाग उनका जो है ना बिल्कुल सातिर होता है, बोला मजा नहीं आ रहा यार, ये कोई लाइफ होती है कि जाना है आना है, बस कुछ ना कुछ खुद का करेंगे, और वो आ जाते हैं वापस, बोला कुछ खुद ही करेंगे। तो ऐसे दो तरह के लोग दुनिया में पाए जाते हैं जी, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सेटिस्फाई होते हैं अपनी लाइफ से, बस इतना सा ठीक है, चल रहा है, दाल रोटी मिल रही है, संतोषी सदा सुखी, इस मुहावरे को बार बार वो पढ़ते रहते हैं, है ना, आदमी को उतने पैर पसारने चाहिए जितना उसका कंबल होता है, ये भी वो खूब पढ़ते हैं, है ना, और ये भी खूब पढ़ते हैं, जो बादल थोता चना, मतलब जो एक चना वो कहते हैं ना बड़बू क्या करता है, हाँ एक चना जो है ना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ऐसे ऐसे मुहावरे पढ़ते हैं, मतलब उनको ये मुहावरे बहुत पसंद है, उनके लाइफ में ना ये मुहावरे अंदर तक घुस गए उनके, उनको लगता है संतोषी सदा सुखी, हाँ हाँ क्या लाइफ है मेरी, इससे ज्यादा आगे कहाँ जाना है मुझे, बस सही तो हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, बस मजा आ गया उनको। ये लाइन पढ़ने के बाद उन्होंने प्रयास करना ही बंद कर दिया, बोला कुछ नहीं करना, मस्त रहने का, अकेले क्या करेंगे, हम तो अकेले हैं, अकेले हैं हम क्या करेंगे, जितनी कंबल है उतने पैर पसारना, कोशिश ही नहीं की कभी पैर निकालने की। भाई जी ये सारे जो मुहावरे हैं ना, मैं माफी चाहूंगा उनसे, सॉरी बोलूंगा जिन्होंने ये बनाए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बेटा उन लोगों के जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके बड़े सपने होते हैं, वहां उनके ऊपर अवरोध या प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। ये पढ़ने के बाद ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में कुछ करना चाहते थे, उनके उद्वेग ना थी जीवन में कुछ एक करने का, कुछ पागलपन था, लेकिन जिन्होंने जैसे ही पढ़ा संतोष सदा सुखी, बस ठंडे हो गए, बोला ठीक है अब चल रहा है सब कुछ अपना, है ना, अकेला। लेकिन आपको बताऊं दुनिया में अकेला नहीं बेटा, अकेला नहीं, हजारों अकेले चने जिन्होंने न जाने कहां अपने आप को ले गए, न जाने कहां पहुंच गए, मतलब इसके लिए कहते हैं ना अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेला चना अगर शिद्दत के साथ उसल जाता है ना तो बेटा भड़भूंजे की आंख फोड़ देता है। अकेले चने, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके पास कोई बहुत बड़ा दल नहीं था, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जहाँ जन्म हुआ वहाँ उन एक बिल्कुल साधारण परिवार, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जन्म हुआ साधारण परिवार, लेकिन अपने दम पे, अकेले अपने दम पे उन्होंने बेटा पूरी दुनिया को बता दिया कि अकेला आदमी कुछ भी कर सकता है, अकेला आदमी कहीं भी पहुंच सकता है, जरूरी नहीं है अकेले। शेर की तो वैसे मैंने आपको कई बार कहा है, शेर का कोई झुंड नहीं होता बेटा, इसलिए अकेले कई सारे लोग हैं जो दुनिया में तूफान मचाए हुए। इन बातों को जो है ना इनसे बाहर निकले, इनसे सॉरी बोले, आज के बाद में ये मुहावरा हटा देना है किताब में से ही,
क्या लिखा हटा देना, संतोषी सा नहीं करना, क्योंकि आगे बढ़ते रहना बेटा, आगे बढ़ना ही जिंदगी है। जिस दिन आप सेटिस्फाई हो गए लाइफ से, ये मान लेना फिर आप एक एक ना तो आपका लाइफ बचा है ना आपका आपका जो है ना मरण हुआ है, दोनों के बीच में आप अटक गए। इसलिए आगे बढ़ना ही जिंदगी है, आगे से आगे नई स्टेप निकालना ही जिंदगी है। एक स्टेप पे आगे फिर से अगली स्टेप के ऊपर जाना, यही लाइफ है। रुकना जिंदगी नहीं है बेटा, रुकना जिंदगी नहीं है, रुक जाना जिंदगी नहीं है। हमेशा अच्छे करते रहना है, हमेशा बढ़िया करते रहना। और जब आप अच्छा सोचना किसी भी चीज के बारे में, ये प्रकृति का लॉ है बेटा, इसको लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, कुछ लोग और दूसरे भी लॉ बोलते हैं, है ना, ये प्रकृति का नियम है। अगर आदमी ना बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में बस उसको वही दिखे, सुबह उठते बैठते सोते जागते, तो बेटा उसके साथ वैसे ही घटनाएं होना शुरू हो जाती है, उसको वैसे ही दिखना शुरू हो जाता है। उसके साथ सारे जो सिस्टम्स होते हैं जो पहले उसको विरोध कर रहे थे, उसका सारा जो तंत्र था जो पहले विरोध में था, वो सारे के सारे लोग उसके उसके साथ खड़े हो जाते हैं बेटा। लाइफ का यही फंडा है बेटा, यही जिंदगी है, चाहे कोई भी हो फर्क नहीं। पर मैंने कहा ना, कई बार आपसे कहा है, कहां जन्मे इंपोर्टेंट नहीं है, किस परिवार में जन्मे इंपोर्टेंट नहीं है, कहां रह रहे हैं आप इंपोर्टेंट नहीं है, कहां जाना चाहते हैं ये इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट ये कि आप कहां जाना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होता कहां जाना है, उनको हकीकत में पता नहीं होता। आप पूछ लीजिए, ज्यादातर बच्चे से आप पूछिए क्या करने में, पता नहीं क्या बनेगा। मैं कह रहा हूं आप में से भी जो बच्चे देख रहे हैं इस समय मुझे, जो बच्चे देख रहे हैं ना, वो अपने आप से प्रश्न करें, क्या कोई डिसीजन लिया जिंदगी के बारे में? आप में से 99% नहीं, अभी नहीं लिया। क्या करने में? बोला पता नहीं अभी। किसी बच्चे को आप ले जाओ किसी भी इंस्टीट्यूट में, चलाओ सब बच्चों को बाहर निकाल लो, पूछो क्या करेगा अब। या तो कोई हो सकता है छोटा बच्चा हो, तो उसने किसी सुन रखा हो डॉक्टर बनूंगा, है ना, छोटा बच्चा वो अलग चीज है, लेकिन दिमाग में उतारने वाले बहुत कम लोग होते हैं, सपने पालने वाले कम लोग होते हैं। और जो सपना देखते हैं बेटा, सपना देखते हैं खुली आंखों से, जो सपना देखते हैं उनके सपने हमेशा पूरे होते हैं। लेकिन हम लोग जो है ना, थोड़ा सा कभी 2-4-5 दिन के लिए किसी चीज को दिमाग में डालते हैं, उसको जुनून बनाते हैं, और अगले 5 दिन बैक टू द नॉर्मल लाइफ, वापस वैसे वैसे हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे केवल बाहर की, मतलब बाहर से लगता है कि मैं करूंगा, लेकिन अंदर कभी उनको लगता नहीं कि मैं करूंगा। लेकिन जब आपको पूरा अंदर बाहर सारा एनवायरनमेंट आपने अपने हिसाब से कर लिया, और दिमाग बिल्कुल ये हो गया कि अभी होगा, ये अभी ये होगा, हो जाता है बेटा। क्योंकि माइंड जब सोचना, माइंड की मैंने कई बार कहा माइंड बहुत पावरफुल होता है, 10% कॉन्शियस माइंड है जो जागृत अवस्था में होता है, चेतन अवस्था में होता है, लेकिन 90% सबकॉन्शियस माइंड है। और ये 90% नहीं खतरनाक होता है, 90% में कोई चीज चली गई ना बेटा, 90% जो सबकॉन्सियस है, अर्ध चेतन उपचेतन अवस्था में है, वहां पर कोई चीज चली गई ना, वो तो होता है। मतलब बच्चों को अक्सर मैं ये कहता हूँ, बच्चों क्या अक्सर मेरे जो प्रोग्राम्स होते हैं वहां कहता हूँ कि आपका माइंड केवल आपको नहीं चला रहा बेटा, आपका माइंड केवल आपको नहीं चला रहा है, आसपास होने वाली घटनाओं का नियंत्रण भी कर रहा है। आप किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में सोचना शुरू कर दो, थोड़े दिनों में आपको लगेगा धीरे धीरे वैसा ही होना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये बहुत पावरफुल है, लेकिन हम लोग इसको समझ नहीं पाते। ज्यादातर लोग तो इसको जानते नहीं यूज कैसे करना है। हम लोग पता क्या करते हैं, हम बिलो नेक गर्दन से नीचे हम बहुत खर्चा करते हैं, खूब खर्चा करते हैं, बढ़िया पहनते हैं, है ना, अच्छे वाला डीओ यूज करते हैं, बहुत बढ़िया नहाते हैं, खूब सफाई रखते हैं, है ना। लेकिन अबाउ नेक मतलब ये जो माइंड है, इसके लिए कुछ करते ही नहीं, इसके लिए कुछ करते ही नहीं, इसके सफाई के बारे में सोचते नहीं, इसके इसको चलाने के बारे में सोचते नहीं है, इसको यूज करने के बारे में। बहुत खतरनाक दिमाग बेटा आपके पास। एक वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, डॉक्टर रमेश यादव और मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से, राजधानी के नाम से एक यूट्यूब चैनल हमारा दूसरा, डॉक्टर रमेश यादव राजधानी, वहां पर माइंड का, मेरे लाइफ का वो पहला वीडियो था। कभी आप उस वीडियो को जाके देखना, आपको उसमें इतने एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि एक आदमी का दिमाग कितना शक्तिशाली हो सकता है, वहां पूरा साइंटिफिकली समझाया हुआ है, पूरा दिमाग को ये मान लीजिए खोल के बताया हुआ है कि ये माइंड होता है नर्वस सिस्टम का भाग होता है, यहाँ इनका जो यूनिट्स होती है वो न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन्स का पावर सुपर पावर होता है, कई लैपटॉप के बराबर एक न्यूरॉन पावर होता है, और नजारे कितने। तो एक पूरा वीडियो मैंने उसके अंदर बना के, तो आप कभी आपको टाइम मिले डॉक्टर रमेश यादव राजधानी सर्च करके उस वीडियो को बेटा एक बार ध्यान से देखना, ध्यान से बस पूरा कॉन्सेंट्रेट उस पर करना, फिर आपको लगेगा कि वास्तव में दुनिया में कोई कुछ भी कर सकता है। बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल मैंने कवर किए, दूर दूर के भी किए, यहाँ पास का भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया जो बहुत ही नजदीक का एग्जाम्पल है, 10-20 किलोमीटर का, वो भी उसमें मैंने एग्जाम्पल डाला हुआ है। तो सारा कुछ आदमी के अंदर होता है बेटा, सब कुछ यहाँ होता है, कहीं कहीं उसको भटकने की जरूरत नहीं है। मतलब जो हीरा पन्ना जवाहरात यहाँ भरे हुए, उसकी केयर नहीं करते लोग, जो है ना खदानों में हीरा ढूंढ रहे हैं लोग, जो है ना यूरोप में हीरे के लिए जा रहे हैं लोग, अमेरिका जा रहे हैं लोग, जो है ना मोरक्को जा रहे हैं लोग, तंजानिया जा रहे हैं। अरे भाई हीरा पन्ना जवाहरात सारा यहाँ बड़ा पड़ा, उसके बारे में तो सोच, हम तो पता नहीं कैसे कैसे लाइफ में आगे बेटा, एक एक फिक्स लाइफ जीना शुरू कर दिया, बस यही है, यही करना है। बाकी लोग, मतलब आपको कोई पूछे ना आप ये काम क्यों कर रहे हैं, तो पता क्या कहोगे, बाकी लोग तो यही कर रहे हैं,
मतलब एक ही जवाब, सब कुछ एक फिक्स डर्रे में चलता है। हमने कभी दिमाग को कंट्रोल करने का साहस ही नहीं किया बेटा, मतलब हमें पता ही नहीं होता कहाँ जाना है। जैसे मान लो एक दो जहाज होते हैं, कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, दो शिप है, जहाज है। एक जहाज है ना, उसका जो चलाने वाला जो उसका पायलट होता है या जो भी उसको जो चालक होता है, उसको सारा कुछ क्लियर होता है। उसके पास सारे जो है ना सब, उसके पास पूरा मैप होता है किधर से जाना है, उसके पास पूरा टाइमिंग होता है किधर से किधर जाना है, उसके पास कंपास होता है जहां से वो दिशा देख सकता है, पूरा कंट्रोल होता है जहाज के ऊपर, पूरा कंट्रोल। उसको पता है मुझे कहाँ जाना है, किस दिशा में कितनी देर चलना है, उसके बाद किस दिशा में कितनी देर चलना है, फिर उसके बाद में किधर घूमना है, उसके बाद में वापस टर्न करना है, फिर ये चलना है वो चलना है, पूरा उसके पास पूरा जो मैप होता है, रोड मैप होता है या जो समुद्र में जहाँ जाना है वहाँ का पूरा मैप होता है, पूरी टाइमिंग होती है, पूरा परफेक्शन उसके अंदर होता है, वो एक जहाज। एक दूसरे जहाज की कल्पना कीजिए जिसके पास ना कोई टाइम टेबल है, ना कोई मैप है, उसका जो चालक है उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। आपको क्या लगता है, मतलब एक जहाज जिसके पास पूरा टाइम टेबल है, उसको पता होता है कहाँ जाना है, कितने बजे पहुंचना है, क्या माल लेके आना है, क्या ले जाना है, किसको उतारना है, किसको बिठाना है, सारा टाइम टेबल। एक दूसरा जहाज जिसके अंदर पायलट ही नहीं है, कल्पना कीजिए उसके पास पायलट ही नहीं है, केवल उसको छोड़ दिया गया, ऐसी उसको छोड़ दिया, भाई चल तू खुद ही चल, अपने आप चल, ना उसके पास कोई मैप है, ना कोई चलाने वाला है, ना कोई आगे बढ़ाने वाला है, ना उसका कोई ड्राइवर है जिसके पास दिमाग में क्लियरिटी हो कि मुझे जाना कहाँ है। आप कल्पना कीजिए उन दोनों जहाज में से कौन सा जहाज सही जगह पहुंचने वाला है, कौन सा जहाज सही जगह पहुंचने वाला है, कौन सा जहाज मतलब पहले नंबर के जहाज के साथ क्या होने वाला, बताइए। पहले नंबर का जहाज जिसके पायलट के पास, जिसके ड्राइवर के पास, जिसके चालक के पास पूरा रोड मैप है, टाइमिंग है, एक दिन बेटा वो अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएगा, जहां उसको जाना है वहां पहुंच जाएगा, जिस तट पे जाना है उस पे पहुंच जाएगा, जिस पोर्ट पे जाना है, बंदरगाह पे जाना है वहां पहुंच जाएगा। लेकिन वो दूसरा जहाज है ना जिसके पास ना कोई क्लियर कट उद्देश्य है, ना कोई डेस्टिनेशन है, ना उसको कोई चलाने वाला है, उस जहाज का क्या होना है बताइए। उस जहाज का पता या तो वो समुद्र में बिल्कुल भटक जाएगा, कहीं इधर उधर कहीं पता ही नहीं चलेगा कहां चला गया, या कहीं डूब जाएगा बेटा, या कहीं डूब जाएगा, तूफान में टूट जाएगा, बिखर जाएगा, मतलब उसका डेस्टिनेशन कभी आएगा ही नहीं। बस यही कहानी है, एक ये छोटी सी कहानी, ये बहुत मतलब छोटी सी बात है, लेकिन ये जिंदगी की सफलता की बहुत बड़ी, बहुत बड़ी गहरी सच्चाई है बेटा, ये लाइफ की ना सबसे गहरी सच्चाई, कि आपको खुद को नहीं पता करना क्या है, तो भाई साहब आप दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कोई पकड़ के ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। छोटे बच्चे नहीं है, पापा पकड़ के ले जा रहे हैं उंगली, चल बेटा बालाजी के चलेंगे, चल बेटा वहां चलेंगे, चल बेटा ननिहाल चलेंगे, वो नहीं बेटा। आप बड़े हो चुके हैं, अब तो फैसला आपको करना है कि जाना कहाँ है, मतलब आदमी खुद डिसाइड करता है जाना कहाँ है। आप क्या वैसे जहाज है जिनका कोई रोड मैप नहीं है लाइफ का, जिनका कोई, जिनके पास कोई जाने का डेस्टिनेशन नहीं है, जिनकी जिनका कंट्रोल नहीं है, जहाज मस्तिष्क रूपी जहाज के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है, उनका दिमाग इधर उधर जाता रहता है, कभी ये कर लेते हैं कभी वो कर लेते हैं। बहुत सारे मिलेंगे आपको, मैं कई बार कोचिंग क्लासेस में जाता हूँ, वहाँ पूछता हूँ बेटा किसकी तैयारी कर रहे हो अभी, बोला सर पटवारी कर रहा हूँ। फिर थोड़े दिनों बाद में वही बच्चा मिलता है, मेरे बेटा कैसे चल रही है पटवारी, पटवारी सर मैंने पटवारी छोड़ दी, तो क्या कर रहा है अब, तो मैं LDC कर रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है मैं LDC कर रहा हूँ। फिर थोड़े दिनों बाद मिला, आप क्या कर रहा है, बोला सर सर सेकंड ग्रेड की कर रहा हूँ। फिर उसके बाद तीसरे गया, फिर क्या कर रहा है, अब सर वो थर्ड ग्रेड ही कर रहा हूँ। अब क्या कर रहा है, बोला जी कांस्टेबल का एग्जाम आ गया उसकी तैयारी कर रहा हूँ। अरे मैंने कहा भाई एक पकड़ ले, एक पकड़ ले, ये करना है मुझे, ये करना है। और 100 जो लोग एक पकड़ते हैं ना बेटा, एक चाहे वो रास्ते हो, चाहे वो मंजिल हो, चाहे वो आदमी का मतलब कोई भी, यह एक हो गया, ये करना है मुझे, छोटा भी नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं भाई चलो, हालांकि यहाँ पोस्ट वगैरह का कोई नहीं है, बाकी ये भी नहीं, मतलब सपना तो इतना बड़ा होना चाहिए, इतना जबरदस्त होना चाहिए कि अगर किसी से आपने कह दिया कि मैं ये बनने वाला हूँ, तो अगला डेफिनेटली मतलब 100% फास्ट जवाब आना चाहिए उसका कि पागल है क्या, ये कभी होता है क्या दुनिया में। अगर आपको लगे कि आपके सपने को सुन के आपको किसी ने पागल कह दिया ना, जिंदगी में चुन लेना बेटा उसी काम को, मतलब ये मेरा फंडा है, बाकी तो आप जाने। मुझे तो लगता है किसी ने कह दिया ना भाई ये काम, और किसी ने कहा कि ये तो हो जाएगा, तो फिर मजा नहीं आता उसमें, करते भी नहीं है, हटा देते इसको। किसी को लगता है कि नहीं हो पाएगा, भाई यही करना है, मतलब ये होना चाहिए ना बेटा। बहुत बार आप हम लोग जो है ना डिसाइड इतना ही कर लेते हैं। मैंने कल भी समझाया था आपको कि आपने डिसाइड किया 50,000 वाली नौकरी लगूंगा या 50,000 पर मंथ कमाऊंगा, तो कभी नहीं कमाएंगे 60,000। और आपने डिसाइड किया 10 करोड़ कमाऊंगा, ठीक है आप 10 करोड़ न सही, आप जो है ना 9 करोड़ कमा लेंगे, 8 कमा लेंगे, लेकिन आप उसके आसपास तो पहुंच जाएंगे। लेकिन जहाँ सपना इतना सा है, इतना सा मतलब बहुत छोटा, वहाँ क्या उम्मीद करोगे कि उसको बड़ा कुछ मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा बेटा। इसलिए माइंड पे कंट्रोल, उसको आवारा मत होने दो, उसको ना जहाज ऐसे मत छोड़ो कहीं डूब जाएगा, बिगड़ जाएगा, टूट जाएगा, वैसे वाली हालत मत होने दो उसकी। अपने माइंड पे कंट्रोल, नहीं मुझे यही करना है, पक्का डिसीजन मुझे यही करना है। क्योंकि फैसले, मैंने कल भी कहा था पहले भी कहा था, फैसले गलत या सही नहीं होते हैं,
फैसलों को सही साबित करना पड़ता है। आपने अगर ईमानदारी से प्रयास, फेल भी कोई नहीं होता बेटा, इस चीज को गांठ बांध लेना, दुनिया में कोई फेल नहीं होता। आईएएस तब तक ही बहुत मुश्किल लगता है जब तक आदमी उसकी तैयारी नहीं करता। कोई भी एग्जाम हो तब तक ही मुश्किल लगती है जब तक उसकी तैयारी नहीं करता है, उसके दिमाग में बैठती नहीं है। बहुत बार होता है बेटा, मैंने एक स्टोरी बताई थी आपको, उर्मिला बिटिया की एक उर्मी बेटी, कहाँ उसके पापा जी का डेथ हो गया, केवल एक छोटी सी सनक ने उसको डिसीजन ले लिया कि नहीं अब तो डॉक्टरी बनना है, मेरे पापा का सपना था डॉक्टरी बनना है। तो ये ऐसे कई बार इमोशनली, कई बार इंसल्ट से, कई बार जो है ना किसी और बात, किसी की चुभ गई, किसी की बात लग गई, इससे कई बार आदमी बड़े फैसले ले लेता है, बहुत बड़े फैसले ले लेता है। बड़े फैसले मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य है, उसको एक छोटा सा आदमी नेस्त तो नाबूद कर देता है जब वो फैसला ले लेता है कि मुझे जो है ना अब ये गलत साम्राज्य, ये जो पाप का धंधा है इसको खत्म करना है। कर देते बेटा लोग, कर देते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर देते हैं। एक अकेला आदमी तूफान ले आता है दुनिया में, तो सब कुछ बेटा आपके अंदर है। ऐसे मुहावरों के पीछे मत पड़ो, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, आदमी ना, क्योंकि आदमी जब पैर पसारता है तो कंबले लंबी अपने आप हो जाती है बेटा, है ना। एक अकेला चना जब उछलता है तो भरभूंजी की आंख फोड़ देता है बेटा। जो बादल गरजते हो बरसते नहीं, ऐसे बोलते ना लोग, गरजते बरसते नहीं, भाई साहब जो गरजने वाले जिस दिन बरसते हैं ना उस दिन तूफान आ जाता है बेटा, नदियां आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। इसलिए बन जाओ बिंदास। लोग क्या कहेंगे, कई बार हम किसी को कह नहीं पाते हैं, बोला मजाक उड़ाएंगे, कई बार किसी को बता नहीं पाते हैं, उड़ाने दो बेटा, हंसने दो उनको, वो हंसी तो आपको एक दिन बहुत आगे ले जाएगी, वो हंसी ही तो एक दिन बहुत आगे ले जाएगी। है मुझे तो याद है लोग जो है ना इतनी मजाक उड़ाते थे, इतने मतलब मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैं उनको जवाब केवल एक ही मन में देता था कि एक दिन आपको खुद को अपने आप पर हंसी आएगी कि मैं कहाँ रह गया। एक दिन आपको खुद को अपने आप पर रोना होगा, ठीक है आज आपको लग रहा है कि हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग आप स्कूल चला रहे हैं इतना पढ़ने के बाद में भी, या हमने कभी फॉर्म भरा नहीं, यही करने का दिमाग में बिठा लिया, तो आपको बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन एक दिन आपको लगेगा ये सही कर गए, ये सही कर गए। मैं ज़्यादा लग होता है ना बेटा, जैसे मेरे साथ वाले सारे बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज में साइंटिस्ट वगैरह, अब उस समय उनको जब मैं ये इधर आया होगा वो नौकरी लगे हो तो उनको मेरे ऊपर हंसी आ रही होगी कि यार भाई तू क्या कर रहा है, लेकिन वक्त पलटा ना बेटा, वक्त किसका इंतजार नहीं करता है। आज वो अपने आप पे हंसते कि काश मैंने भी इस तरह से किया होता तो ठीक है भाई। मैंने कहा ना दो तरह के लोग होते भाई, दो तरह के लोग, एक तो पंगा पालने वाले, एक नॉर्मल लाइफ जीने वाले। नॉर्मल लाइफ जीने वाले एक फिक्स उसमें आ जाते हैं, उनका बिल्कुल फिक्स होता है भाई ये सैलरी हो गया, ये मंथ हो गया, मंथ एंड हो गया, यहाँ ये हो गया, और वहाँ पर वो बिल्कुल अपने दिमाग में पूरी फिगर भी बना लेते हैं कि मुझे अगले 12 महीने में ना कम से कम 15 लाख रुपए की बचत करनी है ना, 50 लाख रुपए की बचत करनी है अगले 15 महीने में या 5 साल में, जो भी उनका टाइम होता है, और वहां से थोड़ा सा भी कम हो जाता है ना बेटा तो फिर उनको नींद नहीं आती बेटा, तो उनको फिर नींद नहीं आती। और कुछ ऐसे होते हैं बेटा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, काफी सारे ऐसे लोग हैं, है ना, जो वो आदमी जो 15 साल में डिसाइड करता है बेटा, 15 साल में भाई मैं ये, वो लोग 1.5 घंटे में फ्री कर देते, बोलाइए जी ये लो संभालो जी, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के, पंगे लेने वाले, इजी जीने वाले। फैसला आपको करना है, पंगे लेना है, हालांकि उसमें मैंने कहा ना बहुत जुनून चाहिए, फिर वहाँ पर बहुत सारी कई सारे फैक्टर से आपका सामना करना होगा, मजा आता है, लेकिन मुझे तो मजा आता है बेटा, मुझे तो इसी में मजा आता है। कोई कहे ये नहीं हो सकता, ले भाई यही करेंगे अब तो, बोला यहाँ स्कूल नहीं चल सकती, ले यही चलाएंगे, है ना। तो ये चीजें बेटा, यहाँ ये नहीं हो सकता, वहाँ ये नहीं हो सकता, तो सब कुछ आपके अंदर है, बढ़िया करते रहो बेटा, तूफानी बनते रहो, अपने मन का कंट्रोल अपने पास में रखो, आगे बढ़ते रहो, किसी और की परवाह मत करो, कौन क्या कह रहा है इस समय, आपकी मजाक उड़ रही है, उड़ने दो बेटा। अगर आप मजाक की परवाह करोगे तो फिर तो घर में बैठ जाओगे, बोला बाहर निकलते मजाक उड़ने लग जाती मेरे, तो मुझे देखते लोग हंसने लग जाते, फिर बैठ जाओ बेटा अंदर, कुछ मत करो। इसलिए जिंदगी में रिस्क लो, पंगे पालो, आगे बढ़ते रहो, हाथ पैर जो है ना मारते रहो, रुको मत, सपने बड़े रखो बेटा, आगे बढ़ने के बारे में सोचो, ये करना है, इतना बड़ा ये बनूंगा, लोग भले ही चाहे कितना कुछ भी कहे, बनूंगा तो मैं यही, इससे नीचे तो मैं रुकूंगा ही नहीं, बस यही जिंदगी में कामयाबी की निशानी है, यही जिंदगी में आपको आगे बढ़ने का एक रास्ता है, राह है, मंजिल आपकी। तो बने रहिए हमारे साथ, बढ़ते रहिए बेटा जीवन में आगे, करते रहिए अपने आप को तैयार,